एक दिन दे विच पौनी कौम मारी गई होवे, जिहड़ा अब्दाली मरहट्टियां नूं मार के पानीपत दे मैदान विच इह कहिंदा है कि मरहट्टियां दी तीसरी पीढ़ी जाके मेरे मुकाबले दे विच खड़ी होवेगी, मेरी औलाद दे मुकाबले दे विच। उही अब्दाली आ इस मैदान विच खलो के भी एक गल आखदा है, वह कहिंदा मरहट्टियां नूं मार के मैं गल आखी सी पानीपत दे मैदान विच कि इहनां दी तीसरी औलाद आवेगी ते मेरा मुकाबला करेगी, पर कहिंदा सिखां नूं मैं ऐसी मार मार चलिया, इन्हां दीआं दस पीढ़ियां दस पुश्तां मेरे मुकाबले ते खड़ियां नहीं हो सकदियां। कमाल दी गल है, मरहट्टे ते अज तक नहीं उठे, पर महीने तीन नहीं बीते जदों खालसा बैठ के सलाहां करन लगा वी अब्दाली नूं मार किवें मारीए, उहदे कोलों बदला किवें लईए घल्लूघारे दा। तीन महीने नहीं बीते हुण खालसा बैठ के, जिउंदियां जागदियां कौमां दी मिसाल है, जिन्हां कौमां दा खून ठंडा हो जांदा है वह कौमां आप भी ठंडियां हो जांदियां, वह गुलामी दे संगल विच जकड़ियां जांदियां ने, जिन्हां कौमां दा खून गर्म हुंदा है वह कौमां हमेशा चढ़दी कला दे विच रहिंदियां ने। साडी पिठ ते खड़ा इतिहास साडा, सानू माण है लहू दे रंग उत्ते, असीं जाणदे हाँ किंज कुरबान होना सोहणे देश दी इक वी मंग उत्ते। हुण पंथ खालसा बैठ के विचारा करदा है, कहण लगे बहादुरो किसे दा पुत्तर चला गया, किसे दा परिवार चला गया, किसे दे सिर दा ताज चला गया, साडे कोल दो कम सन, उधर एशिया दा मन्निया परमन्निया जरनैल पानीपत दी लड़ाई दा जेतू, उहदे कोल हथियार सज्जर फौज, उहदे कोल असले दी कोई कमी नहीं, उहदे कोल तोपां, साडे कोल की सन, माड़े जां घोड़े, माड़ियां जां तलवारां, जंग लगियां होईयां, बंदूकां साडे कोल नहीं, टुट्टे जहे नेजे, ते साडे कोल सब तो वड्डी कमजोरी सी साडे नाल साडे परिवार सन, साडे बच्चे सन, साडियां त्रीमतां सन, साडे बजुर्ग सन, कौम दे उहनां नूं बचा के रखना साडी जिम्मेवारी सी। जे कदे अब्दाली सिद्धा साडे नाल मुकाबला दस के करदा उहनूं दस दिंदे वी किस कौम दे नाल वाह पिया है। ए अब्दाली दी बुजदली है, मत अफसोस करो भी साडी कौम दा एडा नुकसान हो गया, ए सोचो भी असी गां अगां की करना है। ओ कौमां कदे सदमे विचों नहीं निकलदियां जिहड़ियां बीत चुके समें दे उत्ते झूरदियां ने, हमेशा ओ कौमां कुछ कर गुजरदियां ने जिहड़े बीत चुके समें दीआं गलतियां दे कोलों सिखदियां ने। अज साडे पूरे दा पूरा पंजाब दिल्ली दे बार्डर उत्ते जाके बैठा है, हरियाणा बैठा, राजस्थान बैठा, यूपी बैठी है, होर स्टेटां दे लोग आके बैठे ने। अज भी जेकर असीं पाणी विच मधाणी पाई रखी असीं प्राप्ति कुछ नहीं करांगे, प्राप्ति तां करांगे जे कल दीआं गलतियां अज ना दोहराईआं जाण, तद असीं कोई प्राप्ति करांगे। बिल्कुल असीं प्राप्ति दे नेड़े आ, हुण ते इक हुंदा हट राज हट हुंदा है, सत्ता दा नशा, हकूमत दा गरूर, राजनीति दा नशा दिमाग नूं जदों चढ़ जावे उदों वी बंदा इहो जिहे फैसले करदा है, हैंकड़बाज डिक्टेटर पुणा हिटलर शाही जिहनूं असीं कहिंदे आ उदों बंदा इहो जिहे फैसले करदा है। कदे तुसीं वेखिओ किसे देश ने अपने नागरिकां दे खिलाफ घेराबंदी एडी सख्त कीती होवे? अमेरिका ते मैक्सीको दे दरमियान एक दीवार बनी है, कंध बनी है, जिहनूं टप के पंजाब दे नौजवान अमेरिका च दाखल हुंदे ने। आ कुछ दिन पहला इथों दी सरकार ने, हकूमत ने, मोदी सरकार ने साडी कौम दे दुआले कंध नहीं बना दित्ती। मैं ते कहिंदा कौम इहनां नूं हकूमत वालिआं नूं फैसला कर लैणा चाहीदा है भी तुसी सिखां नूं नाल रखना, पंजाबियां नूं नाल रखना जां नहीं रखना। जे घेराबंदी एडी करनी है, कंधां ही बनाउणियां ने, फिर ते जो कुछ साडे कोलों लिया उह सानूं वापस मोड़ देना चाहीदा। हरियाणा भी साडे कोलों लिया, हिमाचल भी साडे कोलों लिया, फिर ते वापस मोड़ देना चाहीदा है। अज चारे पासे खालिस्तान खालिस्तान हो रही है, ट्विटर देखो, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, टीवी का कोई चैनल ला लो उहदे ते बस इको गल खालिस्तान। कमाल दी गल,
संत बाबा जरनैल सिंह नूं एक पत्रकार ने सवाल पुछया कि असीं सुणिया तुसीं खालिस्तान की मंग करदे हो, ते बाबा जी का जवाब बड़ा कमाल दा सी। ओह कहिंदे मंगिया ते नहीं, जे सरकार देना चाहुंदी है ते इनकार भी कोई नहीं। हुण भी सरकार नूं फैसला कर लेना चाहीदा है वी की चाहुंदी है सरकार, क्योंकि कौमां हर समय सुलह दे विच मरदियां ने, जंग दे मैदान विचों जितियां होईयां कौमां कदे टेबल दे उत्ते बैठ के सुलह नहीं करिया करदियां। अगां सुलह दी गल आवेगी। हुण पंथ खालसा बीत चुके समय ते केवल इसलिए विचार करता है असीं इहदे विचों सिख के अगे की करना है। अपने बहादुरां नूं सरदार जस्सा सिंह आहलूवालीए ने ललकारिया, कहण लगा बहादुरो तुसीं मैनूं सुल्तान ए उल कौम दा खिताब दिता है। जद कदे सरदार जस्सा सिंह आहलूवालीए दा जीवन पढ़ोगे ना, पिता छोटी उम्र दे विच चढ़ाई कर गया, माँ अपने इकलौते पुत्र नूं आलू पिंड दा रहण वाला सी, इहदे मामे सरदार बाग सिंह आहलूवालीए ने इहनूं पालिया। हुण माँ अपने पुत्र नूं लैके दिल्ली चले गई। दिल्ली विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज के महल माता सुंदरी जी सन, उन्होंने देख रेख दे विच पलिया जस्सा सिंह आहलूवालीआ। हुण उन्होंने कीर्तन सिखाया, एडा आग्ञाकार बालक, एडा सियाणा, एडा बुद्धिवान। माता सुंदरी जी कहण लगे जस्सा सिंह तेरे अगे आसियां वाले चलिया करनगे। माता सुंदरी जी का कहना। हुण जदों कुछ वड्डा होया, मां लैके अपने पुत्र नूं दरबार साहिब आई, अमृतसर आई, इत्थे मिसलां बैठियां ने। कपूर सिंह उस समय कौम का नवाब है, नवाब कपूर सिंह, ते मां लैके आई अपने पुत्र नूं, इत्थे गुरबाणी का कीर्तन सिंह कर रहे ने, आप ही करते सन। जदों कीर्तन चल रहा, मां ने नवाब कपूर सिंह नूं आख्या, नवाब साहब मेरा पुत्र भी कीर्तन कर लैंदा है, जे तुहाडी इजाजत होवे मेरा बच्चा एक शब्द पढ़ सकदा है। कहण लगे क्यों नहीं। सरदार जस्सा सिंह ने ऐसे वजद विच आके कीर्तन किया कि सुन वाले झूम उठे। नवाब कपूर सिंह झोली फैला के सरदार जस्सा सिंह की मां नूं कहिंदा, भैण यह बच्चा मैनू दे दे, कौम ने मैनू नवाब बनाया है, मैं घोड़ियां की लिद चुकिया करता सी, कौम ने मैनू नवाब बनाया है, पर इस गल तो मैनू वांझा रखिया, तेरा पुत्र कीर्ति भी करता है ते तेरे पुत्र नूं मैं सूरमा भी बनावांगा, जिहड़ा कौम दे नाल कौम दी राखी दे वास्ते मर मिटेगा। हुण जस्सा सिंह इत्थे छड के मां चले गई। जदों मां चले गई, यह दिल्ली रहा सी, इहदी बोली दे विच हिंदी दे शब्द बहुते सन, ते इहने हमको तुमको कह के गल करनी। सिंघां ने कई बार छोटी उम्र का होण करके इहदा मजाक उड़ाउणा। एक दिन खिच के नवाब कपूर सिंह दे कोल आ गया, कहण लगा नवाब सिंह, नवाब साहब मैं नहीं इत्थे रहना। नवाब कपूर सिंह जस्सा सिंह नूं धर्म का पुत्र मानता सी। कहण लगा पुत्रा की गल होई। कहिंदे जिहड़े तुहाडे सिंह ने मैनूं छेड़दे ने, मैं घोड़िया नूं पाणी पिलाउणा, मैं पट्ठा पाउणा, खरखरा करदा, जिहड़ी सेवा देंदे ने अगे हो के करदा, पर यह मेरा मजाक उडाउंदे ने, मैं इत्थे रहना नहीं, मैं चले जाणा है। ते नवाब कपूर सिंह गलवकड़ी विच लै के उहदे सिर उत्ते हत्थ रख के कहण लगा, पुत्रा मैं घोड़िया की लिद चकदा सी, इन्होंने मैनू नवाब बना दिता है, तू ते पट्ठे पाउना, तेनू ते कौम का बादशाह बना देंगे। ओ कौम का बादशाह सरदार जस्सा सिंह आहलूवालीआ कौम की अगवाई करता है। तो कहन लगा बहादुरो बीत चुके समय तो सिख के आओ अबदाली नूं दस दईए कि खालसा मरिया नहीं, खालसा जिंदा है। जिहड़ा अबदाली कह के गया ना, इन्हां दीआं दस पुश्तां मेरा मुकाबला नहीं कर सकणगीआं, उन्हूं दस दईए। जकारे लगे, प्रवानगी दे दित्ती गई। हुण ना तो इन्हां दे कोल बहुते हथियार ने, ना चंगे घोड़े ने, ना तन उत्ते चंगे पहनण वास्ते बस्तर ने। अज वाली शाही शानो शौकत वाली जिंदगी नहीं, पर फिर भी चढ़दी कला एडी कि अबदाली नूं मार लैण दीआं गल्लां करदे ने। मैं कई वारी हैरान हुन्ना, अज साडी कौम दे कोल सारे सुख ने, सारियां सहूलतां ने साडे कोल, पर पता नहीं असीं सिक्खी तों क्यों बागी हुंदे जा रहे। कहिड़ी सहूलत, पक्के घर, वह तो जंगलों के रेंदे सन, घोड़िया दीआं काठियां ते रेंदे सन, अज पक्के घर, गड्डियां कोल, एसी लगे घरां दे विच, बहुत घरां दे विच वरतारा वापरदा है। जे गड्डी नहीं, स्कूटर मोटरसाइकिल है साडे कोल, अपनी कन्वेंस है,
पर फिर भी कमाल की गल कौम एडी अवेसली हो गई है असी सिक्खी के प्रति सुचेत नहीं रहे। सिक्खी भेस के साडे घर विच वड़े हुए दुश्मनों नूं पछाणना औखा हो गया साडे वास्ते। वह सिक्खी का घाण करन ते तुले हुए ने, उन्हां नूं पछाण लैण की हिम्मत नहीं। महाराज बाणी विच कहिंदे ने पहला वस ज्ञान कह तां कीचे व्यापार, कहिंदे तूं व्यापार करन लग्या पहला पछाण करदा है कोई चीज खरीदण लग्या इहदे विच की है किन्ना मुनाफा देवेगी। कहिंदे कमाल की गल है धर्म की दुनिया विच आउण लग्या तूं पछाण की अख नहीं रखदा। बहुत जरूरी है। हुण इन्हां बहादुरां ने फैसला किया, चढ़दी कला के लगे ने जयकारे, इस सब तो पहला इन्होंने फैसला किया कि सरहद उत्ते हमला किया जाए, क्योंकि सरहद का नवाब जैन खान यह सब तो मोहरी रहा अहमद शाह अब्दाली के साथियों के विचों, इन्हें नुकसान किया माल में आए हुए सिंघां का। उस तो बाद मलेरकोटले वाला भीखण खां, इन्हों सब सिखाया जाए। हुण बहादुरों ने करिए तैयारी, करके तैयारी गुरु के लाल लैके बाजा वाले गुरु का नाम, जिमें पंजाब दे विच विचर के कल्लू घारे दे विच अपना नकारात्मक रोल पाउण वाले इन्हां आगुआं दा सोता लाउण लगे ने। जिस तरीके दे नाल मलेरकोटले दा नवाब जां जैन खान सरहद वाला उन्हां दा सोता लाउण लगे ने, चुन चुन के वैरियां नूं सजावां देण लगे ने, उहदा जिक्र ढाडी जथा इउं करदा। ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਹਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਹਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਖਮ ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਜ਼ਖਮ ਕੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਕਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਹਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਉਹਦੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ।
फड़ भीखण खाताई फल ने कीती दा भगताउंदे फड़ भीखण खाताई फल ने कीती दा भगताउंदे जालम जरबाणिया नूं धर्मी तर ने सबक सिखाउंदे जालम जरबाणिया नूं धर्मी योदे सबक सिखाउंदे अचानक जाके पैंदे फेर खेड़ी नगर ते सिंह अचानक जाके पैंदे फड़ फड़ के वैरी नू थाल से गिन गिन बदले लेंदे कट दौलत दबी नू फेर गरीबां विच बरतौंदे जालम जरबाणिया नू धर्मी योदे सबक सिखाउंदे जालम जरबाणिया नू धर्मी योदे सबक सिखाउंदे ਕਿਉਂ ਕੱਲੂ ਕਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਕੱਲੂ ਕਾਰੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਨੂਰਪੁਰੀ ਝੰਡੇ ਸਦਾ ਝੂਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਰਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੇ ਢਾਉਂਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੁਰਜ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਯੋਧੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਯੋਧੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਰਬਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਯੋਧੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ